हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर फाइव ऑफ एन बुक हनी चैप्टर नेम इज क्वालिटी ओके आई नो हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माय एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माय फादर्स बूट्स इसमें राइटर हमें बताते हैं कि वो उसे बहुत पहले मतलब बहुत बचपन से उसे जानते थे क्योंकि वो मेरे पापा के बूट बनाते थे इसमें एक बूट मेकर की स्टोरी है जो शूज़ बनाते हैं उनकी स्टोरी दी हुई है कि वो किस तरह से वर्क करते थे ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हीज शॉप जो वो बूट मेकर था वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप में रहता था विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन जो लंदन के बहुत ही फैशनेबल पार्ट में एक गली में रहता था छोटी सी में द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नीम ऑफ गैसलर ब्रदर्स वो जो था जो शॉप थी वो बिल्कुल अंदर थी और वहाँ कोई साइनबोर्ड वगैरह नहीं था बस उस पर लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर्स उस बुक मतलब दुकान का नाम था गैसलर ब्रदर्स एंड इन दिंडो आफ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स विंडो में कुछ बूट के पेयर रखे हुए थे एंड इन विंडो ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर वो केवल वही बनाता था जिनको जिसका उन्हें ऑर्डर मिलता था एक्स्ट्रा नहीं बनाता था एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट और वो जो भी बनाता था वो कभी मतलब फिटिंग uh, में फिट फेल नहीं होता था हमेशा जिस पैर का बनाता था उसके लिए बिल्कुल फिट बैठता था टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम्ड टू मी देन मतलब वो बूट्स बनाने के लिए सच बूट्स जैसे वो बनाता था बिल्कुल बूट्स को सीम टू मी दैन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल मतलब इतने ज़्यादा अच्छे होते थे ऐसे लगते थे जैसे कोई वो एक पहेली हो एक आश्चर्यजनक मतलब वो हो उसके लिए इस तरह से प्रतीत होते थे आई रिम्बर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम बाई यूथफुल फुट इज़ नॉट इट ओवफुली हार्ड टू डू मतलब एक बार क्या होता है कि मुझे याद है जब मैंने एक शाही रिमार्क्स दिया था एक दिन जब वो मतलब uh, मैं बहुत छोटा सा था और मेरे फूट बनाए वो बनाए थे बूट्स तो वो कहता है कि ये बड़े हार्ड से है मिस्टर कैसलर एंड इज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिस बियर्ड इट इज़ एन आर्ट वो कहता है मतलब वो ये कहता है जब वो जो राइटर होता है कि ये कितना हार्ड वर्क तुम करते हो और ये कैसे बना लेते हो ठीक है तो उसका आंसर आता है उसकी ना जो बियर्ड होती है वो रेड रेड सी हो रही होती है वो तो बड़ी स्माइल करके कहता है इट इज़ एन आर्ट मतलब ये एक आर्ट है इट वाज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ओपन मतलब उसके पास ना जल्दी जल्दी जाना नहीं हो पाता था जल्दी जल्दी जाना क्यों नहीं होता था उस बूट मेकर के पास क्योंकि बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्प्रेरी समेंस ऑफ बूट स्टिच इन टू दैम क्योंकि वो बूट्स इतने अच्छे बनाता था इस तरह के होते थे कि उसकी दुकान पर जल्दी नहीं जाना हो पाता था वन बैंट वन बैंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सीटिंग ऑन द सिंगल वूडन चेयर एक बार क्या हुआ कि मैं उसकी शॉप पर गया और वहाँ पर एक ऐसे लगता था जैसे किसी चर्च में आ गए हों उसकी शॉप पर जाने बिल्कुल शांति और एक सिंगल वूडन चेयर पड़ी हुई थी मैं उस पर बैठ के वेट करने लगा अ ग्यूट्रल साउंड एंड द टिप टैप ऑफिस स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वूडन स्टेयर Andy would stand before one without coat, a little man in leather apron with sleeves turned back, blinking, as if एज from some dream of wood. वो बूडन जैसे वो बैठा हुआ था उसका वेट कर रहा था वो टिप टिप की आवाज़ करता हुआ नीचे आता है क्योंकि वो ऐसे आ रहा था जैसे जब लकड़ी पर चलते हैं तो आवाज़ होती है ना तो जब वो सीढ़ियाँ थी वो बूटन की थी मतलब लकड़ी की थी तो उस पर से उतर के नीचे आता है बिना को मतलब उसने कोट नहीं पहना होता और हल्का सा झुकता है उसके हाथ में लेदर का एक पीस होता है वो दिखाता है और वो अच्छा पीस होता है मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वो बूट के सपनों में से निकल के आया हो जग के जैसे सपनों में से जाग कर अवॉकन मतलब जाग कर आया हो सपने से निकल कर आया हो एंड आई वुड से और मैं कहता हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर तुम कैसे हो कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स क्या तुम मेरे लिए एक रशियन लेदर का बूट बना दोगे विदाउट अ वर्ल्ड ही वुड लीव मी ट्राइनिंग बैंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप फिर वो बिना कुछ बोले शॉप के दूसरे पार्ट में चला जाता है मुझे छोड़कर और वहाँ से मतलब फिर वो लीव मी रिटायरिंग वैंस ही केम मतलब जब तक वो आता है मुझे वहाँ छोड़ जाता है और वो शॉप के दूसरे पार्ट में जाता है एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर और मैं लगातार वुडन चेयर पे बैठ कर रेस्ट कर रहा हूँ इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ द ट्रेड वहाँ पर उसकी जो लेदर की स्मेल आती है ना वो लगातार आ रही होती है सोन ही वुड केम बैक फिर जल्दी ही वो वापस आ जाता है होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर उसके हाथ में गोल्ड ब्राउन ब्राउन लेदर होती है विद आईज फिक्स्ड ऑन इट इट वुड रिमार्क उसके वो मतलब उसकी आंखें उसी पर टिकी होती हैं कहता है अ ब्यूटीफुल कितना अच्छा सुंदर पीस है वेन आई टू हेड एंड इट और मैं भी उसकी तारीफ करता हूँ ही वुड स्पीक अगेन फिर वो फिर से बोलता है कि जब तुम चाहो तब उसे ले सकते हो एंड आई वुड आंसर मैं आंसर देता हूँ oh, ओ एज सुन एज यू कन्वीन मतलब जब भी तुम दे सकते हो अपनी सुविधा से तब मुझे दे देना एंडी वुड से फिर वो कहता है टुमारो फोर नहीं मतलब कल ले लेना और इफ़ ही वर हीज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर और मैं बाकी अपने बड़े भाई से पूछ कर बताऊँगा कि वो मतलब कब दे सकता है देन आई वुड मरबर थैंक यू फिर मैं धीरे से बोलता हूँ थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन इज हैंड अभी तक उसके हाथ में वो लेदर का पीस अभी तक रखा लगा लग रहा था मतलब एंड एज आई मूव टू द जैसे ही मैं डोर की तरफ जाता हूँ दरवाजे पर पहुँच जाता हूँ फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है जैसे वो स्लीपर्स वो स्टेर पर चढ़ता है तो टिप टप की आवाज़ होती है ना बूट पर चढ़ने की और फिर से वो अपने बूट्स की सपनों में चला जाता है जो उसकी जगह होती है जहाँ पर वो शूज़ बनाता है आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड अकेजन टू सेम एक दिन की बात है जो मैं नहीं भूल सकता मैंने उससे कुछ कहा था मिस्टर गैसलेट दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रैक डू यू नो उसने उसे बताया कि जो लास्ट पेयर था ना शूज़ का बूट्स का वो क्रैक हो गया तुम्हें तो पता है तो ही लुक उसने मेरी तरफ देखा फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाई कोई जवाब नहीं दिया एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिटी द स्टेटमेंट दैन सेड इट शुड नॉट बी मतलब क्रैक्ड वो कहता है ऐसे क्रैक तो नहीं होना चाहिए उसकी क्वालिटी तो अच्छी लगता हूँ मैं इट डिड आई एम अफ्रेड अब मैंने कहा मैं डर गया थोड़ा कि भाई मैंने ये क्या कह दिया यू गॉड देम वैन बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ उसने कहा कि तुम मुझे दे देना मतलब मैं मुझसे दिखा देना आई डोंट थिंक सो एट दैट ही लॉर्ल्ड हिज आईज फिर वो नीचे अपनी आँख कर लेता है एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्स सॉरी आई हैड मैंशन दिस ग्रेप थिंग और मैं मतलब दिमाग पर जोर डालने लगता है डालने लगता हूँ कि मतलब मैंने कौन से शूज़ की बात कही मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने इससे ऐसा क्यों किया सेंड दैम बैक उसने कहा वो वापस भेज देना आई विल बैक आई विल लुक एट दैम मैं उनको देख लूंगा तुम तो उसे वापस भेज देना जूम बूट्स ही कंटिन्यू स्लोली आर बेड फ्रॉम बर्थ इफ आई कैन डू नथिंग विथ दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल और वो ये भी कह देता है कि यदि मैं उन जूतों के लिए कुछ नहीं कर सका मतलब ठीक नहीं हो सके तो मैं उसके पैसे तुम्हें वापस दे दूँगा इन जूतों के वंस आई वेंट एबसेंट मिंडली इन टू ही शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म एक बार क्या हुआ था कि मैं गया तो वो एबसेंट था मतलब शॉप पर नहीं था तो मेरे साथ एमरजेंसी थी तो मैंने वो शूज़ एक लार्ज फर्म से बड़ी फर्म से ख़रीद लिए थे ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर और उसने बिना कोई मुझे लेदर दिखाए मेरा ऑर्डर ले लिया था एंड आई कुड फील हिज आइज़ पेंट्रेटिंग द इन्फीरियर कन्व कवरिंग ऑफ माई फोटो एट लास्ट ही सेड दर नॉट माई बूट उसने कहा ये मेरे बूट तो नहीं है दट टोन वाज नॉट वन ऑफ एंगर नॉट ऑफ सोरव उसकी जो टोन थी ना तो वो गुस्से में बोल रहा था ना ही वो दुखी था नॉट ई बी नाफ कंटेम्प्ट देर वाज इन इट्स समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड लेकिन कुछ तो था जो बिल्कुल वहाँ शांत था जैसे कि ब्लड उसका जम गया हो ही पुट इज है उसने अपने हाथ नीचे किया एंड प्रेस द फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल और जहाँ से वो बूट कंफर्टेबल नहीं था उसको ऐसे दबा कर देखने लगा कि क्या कमी है इट इज आर यू देयर ही सैड डज बिग वर्म फर्म्स आओ नो सेल्फ रेस्पेक्ट वो कहता है कि जो बिग फार्म्स होती हैं उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट तो होती नहीं है एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड विटरली इट वाज़ द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिस ट्रेड मतलब ये पहली बार था कि वो थोड़ा सा विटरली बोला और वो मतलब मैंने उसके मुँह से वो इस तरह की बातें सुनी उसके व्यापार के बारे में ट्रेड मीन्स व्यापार के बारे में दे गेट इट ऑल ही सेट दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट मतलब वो बड़ी कंपनियों के अगेंस्ट था वो कहता है कि जो बड़ी फर्म होती हैं बड़ी कंपनियाँ वो केवल एडवर्टीजमेंट से जीतती हैं नॉट बाय वर्क उनका वर्क अच्छा नहीं होता वो वर्क से नहीं जीतती वो एड से जीतती हैं दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लोव अवर बूट्स इट गेम गोम्स टू दिस प्रजेंटली आई हैव नो वर्क देखो ये इसमें साइड में दिया हुआ है ये जो लैंग्वेज दिखाई है वो जर्मन का था तो वहाँ पर इस तरह की लैंग्वेज उसकी थोड़ी डिफरेंट दिखाई है इसका ये है दे गेट इट ऑल वो सारे ऑर्डर ले लेते ले ले हैं दे गेट इट बाई एडवर्टीजमेंट और किससे लेते हैं वो एडवर्टीजमेंट से लेते हैं नॉट बाय वर्क वर्क के द्वारा उन्हें कुछ उनका वर्क अच्छा नहीं होता दे टेक इट अवे फ्रॉम अस वो हमसे हमारे ऑर्डर छीन लेते हैं हु लव अवर बूट्स इट कम्स टू दिस और जो हमारे बूट से प्यार करता है वो यहाँ आता है है नी लेकिन जिसको शो चाहिए काम में शोबाजी चाहिए वो वहाँ जाता है आई हैव नेवर नोटिस मैंने पहले कभी ये बात नोटिस नहीं की थी बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वॉट आर लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स दे आर सीम सडनली इन इज रेड बियर्ड उसने कहा कि भाई बिटर थिंग्स एंड बिटर मतलब केड़ा बहुत कठिन स्ट्रगल कठिन बातें और उसकी जो ग्रे हेयर्स हो गए थे जो उसके बी में रेड रेड दिख रहे थे वो उसके एक्सपीरियंस के थे एज बेस्ट आई कुड बज उसने कहा कि जितना अच्छा हो सकता है मैं करूँगा आई एक्सप्लेन द दर्कमानसेंसेज ऑफ दोज इल ओन्ड बूट्स बट हिज फेस एंड वॉयस मेड सो डीप एंड इम्प्रेशन दैट डूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर मैनी पेयर्स मतलब उसकी बातें उसकी आवाज़ उसका फेस इतना इम्प्रेस किया उसने मुझे इतना मतलब मैं इम्प्रेशन में आ गया कि उसी दिन मैंने कुछ ही मिनट में शूज के कई पेयर के ऑर्डर दे दिए दे लास्टिड लॉन्गर दैन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली टू ईर्स उसके बाद कब लगभग मुझे दो साल तक उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने कई पेयर बनवा लिए थे इट वॉज़ मैनी मंथ्स बिफोर अब कुछ ही दिन महीने पहले की बात है माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप मेरी दूसरी विजिट उनकी शॉप पर हुई दिस टाइम इट एपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे उनका बड़ा भाई हो हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर हाथ में एक लेदर का पीस था वेल मिस्टर गैसलर आई सेड हाउ आर यू मैंने पूछा तुम कैसे हो ही केम क्लोज वो मेरे पास आए और मुझे झांक कर ऐसे देखने लगे आई एम ब्रैडली वेल मैं बिल्कुल ठीक हूँ ही सैड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा जो बड़ा भाई था वो उसकी डेथ हो गई एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज एंड वैन अब लेकिन मैंने देखा कि वास्तव में वो जो खुद है उसकी कितनी एज होगी एंड नेवर बिफोर हैड आई हेल्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी उससे उसके बड़े भाई के बारे में नहीं सुना था मत शौक लेकिन मुझे बड़ा ताजुब हुआ आई मरमर हो आई एम सॉरी और मैंने धीरे से कहा मुझे सुनकर दुख हुआ यस ही आंसर्ड ही वॉज अ गुड मैन ही मेड अ गुड वुड उसने कहा हाँ वो एक अच्छे इंसान थे और अच्छे शूज बनाते थे बट ही इज़ डेड लेकिन वो ख़त्म हो गए एंड डी टच द टॉप ऑफ इज हैड और उसने अपना सिर ऐसे हाथ फेरा सिर के ऊपर वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज thin एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट अब वो अपने हाथ मतलब जो बाल थे उसके सडनली वो कम हो गए थे झड़ने लगे थे बहुत कम हो गए थे आई सपोज द कॉज ऑफ his डेथ मुझे लगभग उसकी डेथ का कुछ कॉज समझ में आ रहा था डू यू वॉन्ट एनी बोर्ड उसने पूछा कि क्या तुम्हें तो और बूट्स चाहिए ही हेल्ड अप द लेदर इन हीज़ हैंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस उसके हाथ में जो लेदर था मुझे दिखा कर कहा कि देखो ये बहुत सुंदर पीस है इसे देख लो आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स वो कहता है कि मैंने कई पेयर्स का ऑर्डर उन्हें दे दिया इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर केम मतलब ये बहुत लंबा टाइम था इससे पहले मैं बहुत लंबे टाइम बाद आया था बट दे वर बेटर देन एवर लेकिन वो हमेशा से हमेशा की तरह ही बहुत अच्छे थे वन सिंपली कुड नॉट बीअर दैम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड फिर क्या हुआ जैसे मैंने बूट ले लिया उसके कुछ टाइम बाद मैं अब्रॉड मतलब विदेश चला गया इट वॉज़ ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज़ अगेन इन लंडन लगभग एक साल बाद मैं लंदन वापस आया एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स और वह सबसे पहले उसी ओल्ड फ्रेंड की मतलब गैसलर की शॉप पर गया आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ सिक्सटी भाई मैंने तो वहाँ लगभग सिक्सटी ईयर्स का मैन छोड़ा था आई केम बैक टू वन ऑफ सेवेंटी फाइव पिंचज एंड हु जेनवनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी मतलब आई जब मैं वापस आया सेवेंटी फाइव ईयर्स का हो गया लगभग वो तो पिंच एंड बॉन मैंने देखा हु जेनवनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी कि सबसे पहले उसने मुझे पहचाना नहीं Do you want any बूट्स He said. I can make them quickly. It is a black time. It is a black time हाँ कि मैंने उसने कहा कि तुम तो कोई बूट चाहिए उसने कहा I can make them मैं उसे जल्दी ही बना सकता हूँ बहुत जल्दी बना दूँगा I answered please please I want boots all around every kind मैंने कहा कि हाँ मुझे हर तरह का बूट चाहिए आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वैन वन इवनिंग दे के एक शाम को वो सारे बूट बनकर आ गए वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन मैंने एक एक करके सबको ट्राई किया इन शेप एंड फिट इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड वो बिल्कुल सही थे बेस्ट थे हमेशा की तरह बिल्कुल सही शूज़ बनाए हुए थे आई फ्लो डाउन स्टेयर्स रोट आ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माय ओन हैंड अब मैंने क्या किया कि जब ही मैं नीचे उतरा एक चेक भरा उसके शूज़ का मतलब जो कॉस्ट थी और वहाँ पोस्ट कर दी उसको अब वीक लेटर एक वीक बाद पासिंग द लिटिल स्ट्रीट मैं एक छोटी गली से निकल रहा था वहीं से आई थाट आई वुड गो इन एन टैन हिम हाउ स्पेंट द न्यू बूट फिटेड अब मैंने सोचा चलो यहाँ से निकल ही रहा हूँ तो उसकी दुकान पर उसको बताता चलू कि उसने कितने अच्छे शूज़ बनाए थे मेरे लिए बट वैन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड विन हिज नेम वॉज गॉन लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि वहाँ तो उसका नाम ही नहीं था आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया बड़ा मतलब तो उसमें आ गया परेशानी में इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद इन विद एन इंग्लिश फेस मैंने वहाँ देखा उसकी शॉप में तो कोई यंग मैन था इंग्लिश फेस वाला मिस्टर गैसलर इन आई सेड मैंने उससे पूछा क्या अंदर मिस्टर गैसलर हैं नो सर ही सेड नो बट वी कैन अटेंड टू एनी थिंग विद प्लेजर वी हैव टेकन द शॉप ओवर उसने कहा लेकिन यहाँ तो मैं मतलब वहाँ अटेंड कर सकता हूँ एनी थिंग विद खुशी से मैं देख सकता हूँ तो वहाँ तो मतलब शॉप हुआ करती थी यस यस आई सेड बट मिस्टर गैसलर उसने मतलब वो जो नया पर्सन था वो कहता है नो no, सर उसने कहा बट मैं तुम्हें अटेंड कर सकता हूँ जो भी तुम्हें चाहिए मैं दे सकता हूँ तो उसने कहा नहीं लेकिन मिस्टर गैसलर का ओ ही आंसर डैड उसने कहा नहीं वो तो ख़त्म हो गया डैड बट आई ओनली रिसीव्ड दोज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट बैडनेसडे वीक उसने कहा लेकिन मैंने तो लास्ट बैडनेस डे ही उनसे बूट्स रिसीव करे हैं जब तो ऐसा कुछ नहीं था तो बताता आ ही सेट पुअर ओल्ड मैन स्टार्ब्ड हिमसेल्फ उसने कहा उस पुअर ओल्ड मैन को भूख ने स्टार्व मतलब कहते हैं भूख से मरना वो भूख से मरा स्लो स्टारेशन मतलब धीरे धीरे भूख से वो कमज़ोर होता गया और मर गया द डॉक्टर कॉल्ड इट मतलब डॉक्टर ने ऐसा बताया यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे मतलब तुमने देखा कि वो वर्क करने का उसका तरीका ही ऐसा था वुट कीप द शॉप ऑन वो नै अ सोल्ड टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ मतलब वो बूट को अपने से ज़्यादा ध्यान देता था वैन ही गॉट एन ऑर्डर जब उसे कोई ऑर्डर मिल जाता था तो ही टुक हिन सच अ टाइम तो वो मतलब सारा टाइम उसको ही दे देता था ऑर्डर को बूट में ही लगा देता था पीपल वॉन्ट वेट लोग वेट नहीं करते ही लॉस्ट एवरीबडी और वो मतलब खोता गया सबको एंड देयर ही इट गोइंग ऑन एंड ऑन अब वो मतलब चलता रहा डाउन होता गया आई विल से दैट फोर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट मैंने कहा मैं मैंने कहा कि मैं ये कहूँगा कि पूरे लंदन में कोई उससे अच्छे बूट नहीं बनाएगा बट लुक एट द कॉम्पिटिशन लेकिन कॉम्पिटिशन को देखो ही नेवर एडवर्टाइज उसने कभी कोई एडवर्टाइज नहीं दिया वुड हैव द बेस्ट लेदर टू मतलब उसके पास बेस्ट लेदर होती थी एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ वो सारा वर्क खुद करता था वेल देयर इट इज हाँ बट वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज तुम्हें मतलब उसके आइडियाज से क्या एक्सपेक्ट करते हो बट स्टारवेशन दैट मे बी अ बिट फ्लॉवरी एज द से इज बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट हाँ लेकिन मैं इतना जानता हूँ खुद कि वो दिन रात बूट बनाने में लगा देता था टू द वेरी लास्ट यू सी टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू मतलब वो कहता है कि वह लास्ट टाइम मैंने उसको देखा आई यूज़ टू वॉच हिम नेवर गेम हिमसेल्प टू ईट मतलब वो अपने खाने पे कभी ध्यान नहीं देता था ख़ुद नहीं खाता था नेवर हैड अ पैनी इन द हाउस अपने घर में कभी कोई एक पैसा नहीं रखता था ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर उसका सारा पैसा जो भी उसका पैसा होता था या तो रेंट में जाता था मतलब किराए में और या लेदर ले लेता था हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो मतलब वो इतने लंबे टाइम कैसे रह गया मुझे नहीं पता ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट वो लगातार इस आग में जलता रहा जलता रहा ही वॉज़ अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स हाँ वो एक कैरेक्टर था उसका लेकिन वो वास्तव में बहुत अच्छे बूट बनाता था यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स हाँ मैंने यही कहा हाँ वो बहुत अच्छे बूट्स बनाता था इसके राइटर हैं जॉन गर्ल्सवर्दी ओके बेटा चैप्टर इज कम्प्लीटेड थैंक यू